बीएसपी सुप्रीमो मायावती ईवीएम मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। पत्रकारों से बातचीत में मायावती ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर वो कोर्ट जा सकती हैं। गौरतलब है कि यूपी चुनाव परिणाम के बाद सबसे पहले मायावती ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ये मालूम है उत्तर प्रदेश की जनता को कि वोटिंग मशीन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, धांधली की गई है और ये धांधले वाले लोगों की सरकार है और जनता इनके पर बिल्कुल फेद नहीं कर रही है और इनकी इस धांधली के खिलाफ हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया। हम लोग जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर हम कोर्ट में जाने वाले, इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। बाद में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ा। जैसे ही यूपी के नतीजे सामने आए, मायावती ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती के आरोपों में सच्चाई है या नहीं, इसे कुछ दिनों के बाद बताएंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों की जांच करने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से नकार दिया था। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा था कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। ईवीएम और चुनाव में शुचिता रखने के लिए टेक्निकल और प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से सावधानी रखी जाती है। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिन राजनीतिक दलों या फिर व्यक्तियों के पास ऐसा कोई सबूत है जिससे साबित होता हो कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, वो इनको लेकर के आए। आयोग इन सबूतों को गंभीरतापूर्वक देखने के बाद ही किसी तरह का कोई निर्णय लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।